हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 फ्रॉम एस्टान पब्लिकेशन। टॉपिक हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे और आज हम इसकी फोर्थ यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है क्लास 11 के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज साइन थीटा कॉसिक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन सर्कल मेथड से कर रहे थे, अब मैं बाकी के क्वेश्चन सिंपल मेथड से कराऊंगी। अगर आप चाहें तो इसको भी सर्कल मेथड के साथ आप कर सकते हैं। सो टेकिंग LHS साइन थीटा कॉसिक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा को हम 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो मैं यहां एक बार रिपीट करना चाहूंगी, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या साइन थीटा को हम 1 अपॉन कॉसिक थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सिमिलरली वी हैव थ्री आइडेंटिटीज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज मैं इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस कर चुकी हूं, अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक एट दैट इंट्रोडक्शन पार्ट, जरूर देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में डाउट्स ना हो और कोई डिफिकल्टी ना हो। सो यहां से ये साइन से साइन, टेन से ये टेन कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो हमारे पास बचेगा 1, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड हेंस वील गेट दी वैल्यू इज 1। दिस इज योर RHS। आप चाहें तो क्वेश्चन आप सर्कल मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होल अपॉन सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 57 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो अगर ये दोनों एंगल सेम होते हैं, मतलब दोनों ही वैल्यू सेम है, मतलब हम यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं। सो LHS वील गेट हियर 1। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे सेक स्क्वायर 57 दोनों का ही एंगल सेम है, तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इस 10 को इस साइड ले जाते तो हमारे पास बचेगा 1, तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। सो वील गेट 1 विच इज इक्वल टू योर RHS, हेंस दिस इज दी सोल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, कॉस ए इंटू टेन ए इज इक्वल टू साइन ए। तो थीटा अल्फा के अलावा हम ए बी सी डी भी ले सकते हैं। सो टेकिंग LHS यहां पर कॉस ए, और टेन ए को मैं बताना भूल गई, यहां पर टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट टेन ए एज साइन ए अपॉन कॉस ए। सो यहां पर ये जो कॉस है ये दोनों कैंसिल हो गए, सो वी विल गेट दिस एज साइन ए, और ये हमारे RHS के इक्वल है, हेंस दिस इज दी सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, साइन टू द पावर 4a कॉसिक स्क्वायर a प्लस कॉस टू द पावर 4a सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सो टेकिंग LHS वी हैव साइन टू द पावर 4a, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए, और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1, और ये हमारे RHS के इक्वल है, हेंस दिस इज दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, साइन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
सो टेकिंग LHS, यहाँ पर हम इसको साइन स्क्वायर ए, कॉट को हम लिख सकते हैं एज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, टेन को हम लिख सकते हैं एज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, वील गेट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू वन, और ये हमारा RHS है, हेंस दिस इज दी सॉल्यूशन। एंड आप ये सारे क्वेश्चन सर्कल वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। सो दिस कम्प्लीट्स योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे वहां जाकर पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।